मामला ललितपुर थाना जाखलाउन के अंतर्गत ग्राम एरा का है, जहां जाखलाउन से परसारी गांव की ओर जा रहे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली ड्राइवर की लापरवाही से अचानक पलट गई। अचानक पलटने से ट्रॉली में सवार मां बेटी की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की स्पीड अधिक थी, जिससे ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में सवार सभी लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे में घायल लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था और उसने बीच रास्ते में ट्रैक्टर रोककर शराब भी पी थी और सवारियों से कहा था कि मैं ट्रॉली पलटा दूंगा और अगले ही क्षण उसने ट्रॉली पलटा दी। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमने कही के चलो छोड़ दो, हमने पहले जा कही के तुम दारू पिए, हम नहीं जा रहे तुम्हारे संगे। सो कहने लगी कही नहीं हम नहीं पिए। सुबह से उन्होंने गैल में दारू पी और हमसे बोला कि तुम काहे री उठ रही एकदम, हम गुस्सा बता रहे थे कि तुम दारू नहीं पियो, वे लोग दारू पी रहे थे तो हमने दारू की मना की। तो वो कहने लगे कलेक्टर, जिसका नाम कलेक्टर था, ट्रैक्टर चला रही है, तो वो हमसे बोला कहने लगे तुम ज्यादा गुस्सा नहीं बताओ ना, तो हम ट्रैक्टर ट्राली पलटा दें। सो हमने कही रोको भैया रोको और हम उतार दो, तो उसने फौरन ट्रैक्टर पलटा दिया।